फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पेठा की रेसिपी। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाना बहुत आसान है, सिर्फ दो चीज़ों से बन जाता है। घर पे भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पेठा खाना भी चाहिए, कहते हैं इससे खून की कमी की पूर्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 किलो पेठा ले लिया है। पेठा कच्चा नहीं होना चाहिए, जो जूस वाला होता है ना वो नहीं होना चाहिए। इसके जो बीज है ना ऐसे पके होने चाहिए, इस तरीके से कड़क कड़क सा होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा होना चाहिए। एक आता है ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा जूस वाला, वो वाला मत लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इससे बीज में जो पल्प और बीज है ना उसको कट करके इस तरीके से हटा लेंगे। यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे और इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। पीसेस आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। तो जब तक मैं इस तरीके से पीस कट कर रही हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। इस वाले पीस को भी सेम तरीके से कट कर लेंगे। पहले बीज हटा देंगे, फिर इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। पेठा से सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। एक पीस ले लिया है। पेठा के ऊपर जो भी सॉफ्ट पार्ट होगा ना उसे हटा लीजिएगा। ये सॉफ्ट वाला भाग बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और दूसरी तरफ से ये हरा वाला पार्ट यानी कि छिलका भी हटा लेंगे इस तरीके से। एक बर्तन में इकट्ठा करते जाएंगे। पहले इससे ये जो सॉफ्ट सा पार्ट दिख रहा है अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे चाकू से, इस तरीके से कट करके। फिर छिलका हटा लेंगे। पेठा से सारे पीस मैंने कट कर लिए हैं, छिलका हटा लिए हैं और जो सॉफ्ट भाग था इधर का वो भी कट करके हटा दिया है। एक पीस लेंगे, कांटा ले लेंगे और इस तरीके से 5-6 जगह अच्छे से हमें इसमें होल करना है। इस तरीके से एक एक पीस लेंगे और होल कर देंगे ऐसे। पेठे के सारे पीस में मैंने एक एक करके प्रिक कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। पतीला में हमें इतना पानी ऐड करना है कि सारे जो पेठे का पीस है ना अच्छे से डूब जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है चूना का पैकेट। इसमें 2 चम्मच इतना चूना ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक एक करके पेठा के सारे पीस को चूना वाला पानी में डिप कर देंगे, अच्छे से इस तरीके से उलट पलट कर लेंगे ताकि सारे पीस अच्छे से चूने वाले पानी में डिप हो जाए। अब इसे हमें 10 से 12 घंटा चूने वाले पानी में ही रहने देना है, या तो ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हो। पेठा को चूने के पानी में डूबो कर छोड़े हुए मुझे ओवरनाइट हो चुका है। अब इसे हमें 4 से 5 बार साफ पानी से धो लेना है ताकि चूने का जो पानी पेठा के अंदर होगा वो अच्छे से निकल जाना चाहिए। सारे पेठा को मैंने 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया है। अभी इसे एक साइड में रखेंगे। एक पतीला ले लिया है मैंने। पतीला में हमें इतना पानी डालना है कि पेठा के सारे पीस अच्छे से डूब जाना चाहिए। गैस ऑन करेंगे, पानी में उबाल आने देंगे। पतीले के ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया था ताकि पानी में फटाफट से उबाल आ जाएगा। उबाल आने लग गया है पानी में। अब एक एक करते हुए सारे पेठा के पीस गर्म पानी में रख देंगे। डिप कर देंगे सबको अच्छे से। पेठा डालने की वजह से पानी का टेम्परेचर कम हो गया है तो अच्छे से उबाल आने देंगे। और पेठा को हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक उबालना है और हाई फ्लेम पे ही उबालेंगे इसको। एक बार ऊपर नीचे कर देते हैं सारे पेठा को। आप
देख पा रहे होंगे पानी में फिर से अच्छे से उबाल आने लग गया है। तो बीच बीच में एक दो बार इसे हम उलट पलट कर देंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक 15 से 20 मिनट तक उबाल लेंगे हाई फ्लेम पे। पेठा चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये सारे ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं। अब इसे हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। इस वाले पानी को हमें फेंक देना है। फिर से मैंने पानी फेंक के वही पतीला ले लिया है। पतीले में 3 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1.25 किलो चीनी ले लिया है, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हाई पे कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरीके से चीनी को मिक्स करते रहेंगे पानी में। चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। आप देख पा रहे होंगे चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें एक एक करके पेठा के पीस ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से उलट पलट कर देंगे, अच्छे से डिप कर देंगे पीसों को। अब हमें पेठा को हाई फ्लेम पे ही चाशनी गाढ़ी होने तक पकाना है और बीच बीच में उलट पलट करते रहेंगे। पेठा चेक कर लेते हैं, आप देख पाए होंगे चाशनी उबल उबल के सारे छींटा पड़े हैं, ये सारे जमने लग गए हैं। उलट पलट करके चेक कर लेते हैं, चाशनी जो है वो गाढ़ी होने लग गई है। एक बार चेक भी कर लेंगे, एक प्लेट में रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पेठा के सारे पीस जो है चाशनी में काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, चाशनी अंदर तक जा चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। चाशनी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे उंगली में लेंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे चिपका के देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक तार निकलने लग गया है। गैस को ऑफ कर लेंगे। अब पतीलों को गैस से उतार लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको ढक के 10 से 12 मिनट रेस्ट करने देंगे। पेठा चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे चाशनी जो है फिर से पतली हो चुकी है। पेठे को जितना पानी रिलीज करना था रिलीज कर चुका है। तो अब हमें इसे दोबारा पकाना है चाशनी गाढ़ा करने के लिए। गैस ऑन करेंगे, पेठा वाला पतीला रखेंगे, चाशनी में अच्छे से उबाल आने देंगे। बीच बीच में पेठा को इस तरीके से उलट पलट भी करते रहेंगे ताकि ये तले से लगे नहीं। देख पा रहे होंगे सारे जो पेठा है चाशनी अच्छे से पी चुके हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं ये। मैं यहाँ पे 2 चम्मच इतना केवरा वाटर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कलरफुल बनाना हो तो। एक बार उलट पलट कर देंगे इस तरीके से। चाशनी बिल्कुल पतली हो चुकी है। अब इसे उबाल उबाल के हमें फिर से गाढ़ा करना है। आप देख पा रहे होंगे चाशनी फिर से गाढ़ी होने लग गई है। एक बार चाशनी को चेक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लेट में रख लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप बिना प्लेट में रखे भी इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से स्पैचुला से गिराएंगे तो जो लास्ट का बूंद होगा ना वो लंबा सा तार बनाते हुए गिरता है। चाशनी ले लिया है, इस तरीके से उंगली में लेंगे और दोनों उंगली के बीच में इस तरीके से चिपका के देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक मोटा सा तार निकलने लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा। गैस को कर देंगे ऑफ। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड ले लिया है, पतीले को इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया है, थाली के ऊपर से ये जाली ले लिया जिसे हम दूध ढकते हैं ना वही वाली जाली, इसके ऊपर सेट कर लेंगे। या आप चाहो तो इसके नीचे कोई कटोरी भी रख सकते हैं थोड़ा सा ऊँचा करने के लिए। अब एक एक पेठा को लेंगे इस तरीके से चम्मच में और ऐसे जाली के ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे। जो एक्स्ट्रा चाशनी है निकल के थाली में इकट्ठा हो जाएगा।
बाकी के पेठा भी इसी तरीके से जाली पे अरेंज कर लेंगे और इसे हमें 3 से 4 घंटे हवा में सुखाना है। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कैसा तैयार हुआ है पेठा। सारे पेठा अच्छे से सूख चुके हैं, मैंने इसे जाली से हटा के प्लेट में रख लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अगर आपको जल्दी खा के ख़त्म करना है तो 3-4 घंटा सुखाना इनफ है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो 10 से 12 घंटा पंखे की हवा में इसको अच्छे से सूखने दीजिएगा। ये बिल्कुल मार्केट की तरह बना है, ऊपर से बिल्कुल ये सूखा सूखा है और अंदर से जूसी है। मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे अंदर से बिल्कुल जूसी है, ऊपर से ये सूखा सूखा ड्राई है, जैसे मार्केट का होता है ना वैसा ही है। तो आप भी बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पे ही इस तरीके से पेठा यानी कि मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जो पेठा कद्दू लेना है वो पका होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, जो जूस वाला होता है ना वो नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।